हमजा प्लीज, तुम खुद को पहचानो। ये मोहब्बत की इंतहा होती है जब हमें सिर्फ महबूब की खुशी अजीज होती है। कि बेशक वो हमारे साथ ना हो मगर खुश हो। तुम भी हालांकि खुशी के लिए इस फैसले तक पहुंचे हो ना, वरना अपने दिल पर हाथ रख के इस बात का जवाब दो, क्या तुम हाला से दूर रह के खुश रह पाओगे? चलो खुशी तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। हमसा खुद को टटोलो, पहचानो खुद को। जब इंसान खुद को पहचान ले तो कुछ अचना भी नहीं रहता। थैंक यू खुर्रम, आई एम सॉरी। उसे आना चाहिए था ना मरियम? उसका तो नहीं पता हाला, लेकिन हमें अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वी आर ऑलरेडी लेट। उसके पास डॉक्टर का नंबर सेव हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता ना हो कि आज अपॉइंटमेंट है मेरी। बिजी होगा, नहीं देखा होगा मैसेज। हॉस्पिटल एक दिन पहले रिमाइंड कराता है। हाला, तुम आखिर चाहती क्या हो? एक तरफ तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया, उसके साथ तुम रहना नहीं चाहती, दूसरी तरफ ये सब। पता नहीं क्या चाहती हूँ। अच्छा चलो चलो, लेट्स गो। एक पिक्चर लो अपने साथ मेरी, अपने फोन से लो। भाई आप कहाँ हैं? पूरे इवेंट में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। बहनों की शादियों पर भाई कम ही नजर आते हैं। देखे जाओ। क्या हो भाई, क्या देख रहे हो? यार अलीना ने कोई पिक्चर पोस्ट किया है एंगेजमेंट की, देख ले तू। हाँ तो देख ले, खुद देख ले। अंगूठी पहन ली तुमने, चिपक के बैठी उसके साथ, सब देख लिया मैंने। अगर अलीना पिक्चर अपलोड नहीं करती तो खूब उल्लू बनाकर रखा है तुमने मुझे। सब देख लिया है तो ये भी देख लिया होगा कि मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। बकवास मत करो रूमी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, पूरी फैमिली को लेके आऊंगा। खुदा का नाम लो वकास, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सोच समझ कर ये अंगूठी पहनी है। कुछ ही दिनों की बात है, अम्मी का ध्यान मेरे ऊपर से हट जाएगा, और वो लड़का वो तो यहाँ रहता भी नहीं है, कहीं बाहर रहता है। दो चार दिन की बात है, हमें सुकून से टाइम भी मिल जाएगा बैठ के इस मसले को हल करने का। रूमी बेटा बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं बेटा। बकास, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हम रात में बात करेंगे, और प्लीज तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं रूमी। जी अम्मी आ गई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके
से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर आशिकी है। पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए सताए कब आएगा तुम्हारा बेटा? वक्त नहीं है हमारे पास अब। मैं तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। इसे कुछ ना कहिएगा। कुछ ना कहूँ? तुमने हरकत देखी है इसकी? पूरी दुनिया में इसे शेर खान का बेटा ही मिला था अपनी गाड़ी से टक्कर मारने के लिए। मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा है उसको। तो तुम्हें जल्दी क्या थी? क्या इमरजेंसी आ गई थी? कह तो रहा है कि जानबूझ के नहीं किया। किसी और को टक्कर मार देनी थी ना गाड़ी से। जानते हो उनसे हमारी खानदानी दुश्मनी है, हमसे उनकी जाती दुश्मनी चल रही है। कैसे यकीन करेंगे कि इत्तफाकन हादसा था? मौका तलाश कर रहे हैं मौका। अब वो सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम आने से पहले मैं दुबई पहुंच जाऊंगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चले, इतना छोटा अकेला कैसे जाएगा? और तुम ये रोना धोना बंद करो और दुआ मांगो कि शेर खान के बेटे को होश आ जाए। बाकी मुझ पर छोड़ दो, बुलवा लूंगा फिर इसको। और ये मोबाइल मुझे दो। वो मेरा मोबाइल तो वापस कर दें। इस फोन को तुम अब हाथ नहीं लगाओगे, किसी किस्म का सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक मैं तुमसे रابطہ ना कर दूं। हमें जब तुमसे बात करनी होगी हम खुद तुमसे रابطہ कर लेंगे। तुम रोना धोना तो छोड़ो, निकलो। हाला एक सेकेंड, हाला रुको। यकीन आ गया मुझे, तुम मुझसे बेबी छीन लोगे ना। तुम्हें सिर्फ ये जानना है ना। समझ आ गई मुझे। क्या हॉल फुल बकी जा रही हो वाला? किसने कहा ये तुमसे सब? कैसे भागी हो? अभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? मैं क्यों हॉल फुल सोचूं? तुम सोच रहे हो ना, तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे। तमाशा मत लगाओ। तुम मेरा हाल पूछने थोड़ी आए हो। तुम तो सिर्फ ये जानने आए हो ना कि बेबी कब आ रहा है। क्या जल्दी है तुम्हें? ताईचान ने बताया था मुझे। तुम अब मत आना मेरे सामने। Are you sure? मैं नजर आऊं तुम वो फेर लेना, मैं देख लूं तुम्हें बदल लेना। मैं पुकारूंगी तो जवाब मत देना। तुम रह सकोगी मेरे बगैर ना? ठीक कह रही थी मेरी, सामने कुछ हो रहा है उसके दिल में कुछ हो रहा है। यार तुम्हें क्या हो गया है जलीस? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा एहसास नहीं हो रहा? तुम क्या चाहते हो? तुम दोनों चाहते हो कि अम्मा के नाम की तख्ती हट जाए बाहर गेट से? अपनी बेटी के लिए रईस भाई, अम्मा होती तो खुद कह देती, मुझे कहना भी ना पड़ता। जानता हूं अम्मा ने हमेशा तुम्हारी ही बात की, हर मामले में तुम्हारी तरफदारी करती थी, बस तुम्हारी जेबें भरती रही। अगर आपका बाजू मेरे शौहर जैसा होता ना तो आपकी भी जेबें भरती। ओह, तो तुम अब बद्दुआएं दोगी मुझे? रईस भाई मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ये मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं आपको बता देता हूं, बाहर तो वो हर कीमत पर जाएगी। तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे,
शायद भूल गए हो तुम, ये वही बेटी है ना तुम्हारी जो एक एक वैन के ड्राइवर के साथ बातें करती थी। रईस भाई, अब और कुछ नहीं, वो क्या था, कौन था और इसके पीछे कौन था आप समझते हैं? मैं भूल गई हूं, मैंने वो सब अल्लाह पे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ही है बेहतरीन इंसाफ करने वाला, और जब वो इंसाफ करेगा ना तो पत्थर तक बोलेंगे। रही बात घर के हिस्से की, आप बड़े भाई हैं इसलिए आपके पास आए हैं, वरना अदालत में एक एप्लीकेशन ही देनी है, सब फैसला हो जाएगा। पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए, मैं नफीस से बात करूंगी, वो हमारे घर का हिस्सा ले लेंगे। 10 तरीके हैं, हम अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए हर दरवाजा खटकाएंगे। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।